नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मनु भंडारी की लिखी कहानी, आते जाते यायावर। कभी सोचा भी नहीं था कि महज मजाक में कही हुई बात ऐसा मोड़ ले लेगी। मोड़, और इस शब्द पर मुझे खुद हंसी आने लगी। मेरी जिंदगी में अब ना कोई उतार चढ़ाव आएगा ना मोड़, वह ऐसे ही रहेगी, सीधी, सहज और सपाट। हाँ, कभी कभी उस सपाट जिंदगी में एक दरार डालकर उसके पार बसी दुनिया को देखने के लिए ललच उठता है, पर जब जब ऐसा किया मन का बोझ ही बड़ा है। फिर भी कल जो कुछ हुआ उसमें जीना अच्छा लग रहा है, खासकर इस आश्वासन के साथ। नहीं नहीं, आश्वासन नहीं, ना जाने क्यों मुझे सही शब्द नहीं सूझ रहे हैं और मैं गलत शब्दों का ही प्रयोग करती जा रही हूं। आमंत्रण, या कहूं कि सागर मनुहार के साथ कि मैं आज भी मिलूं। ख्याल आया, रमला सुनेगी तो हंसती भी कहेगी, लगा लिया तुझे भी क्यों मैं, भाई कमाल है। रात 12 बज गए थे तो रमला ने पूछा नहीं था, एक तरह से आदेश देते हुए कहा था, नरेन, मिताली को छोड़ने का जिम्मा आपका, आप इसे छोड़ते हुए निकल जाइए। उसने कुछ ऐसे सहर्ष भाव से स्वीकृति दी मानो वह इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। टैक्सी स्टैंड पर कई टैक्सियां खड़ी थी पर वह उधर नहीं बढ़ा। इस आदमी से काफी दूरी रखनी है और इसकी हर बात को केवल ऊपर से निकाल देना है। इस बात के प्रति बेहद चौकस होने के बावजूद आधी रात को उसके साथ पैदल चलने का ख्याल मुझे कहीं अच्छा लगा। चारों ओर निपट सन्नाटा था और सड़क के दोनों ओर दूर तक लैंप पोस्ट बाहें फैला फैला कर रोशनी उडेल रहे थे। यहां 12 बजे ही कैसा सन्नाटा हो जाता है। विदेशों में तो 12 के बाद से ही असली जिंदगी शुरू होती है और मुझे लगा कि अब ये लगातार विदेश की बातों से बोर करेगा। इस देश की लड़कियों पर रोप डालने के लिए कितना अच्छा होशियार है यह, पर ऐसा हुआ नहीं। वे फिर अपने बारे में बताने लगा, अपने शौक, अपनी महत्वाकांक्षाएं और खासकर अपनी यायावरी वृत्ति। लगता है मेरे भीतर एक जिप्सी बैठा है जो मुझे घुमाता है। पिछले 7 साल से मैं केवल घूम रहा हूं, भटक रहा हूं, नए नए स्थान, नए नए लोग। मुझे पता नहीं कहां जाकर अंत होगा, कब अंत होगा। वह जैसे पहकने लगा था, मुझे ख्याल आया, इसने बहुत पी रखी है, केवल नीड। बल्कि जब रमला दरवाजे तक छोड़ने आई तो कहा भी था, आज आप बहुत पी गए हैं, ठीक से छोड़ तो देंगे ना मीता को। वह हंसा था, आप तो जानती ही हैं कितना भी पी लूं मुझ पर रंग नहीं चढ़ता। काला कंबल, रमला ने कहा था और हंस पड़ी थी। बातों के नीचे छिपे अर्थ मैं समझ रही थी, फिर भी अनजान बनी खड़ी रही। पर क्षण भर के लिए तीव्र आकांक्षा का एक झोंका ऊपर से नीचे तक जैसे चीरता हुआ निकल आया, एक बार मैं भी रंग चढ़ाने की कोशिश करके देखूं, और कुछ नहीं, केवल चैलेंज की तरह। सचमुच अब बातें या तो चैलेंज के रूप में आती हैं या बदला लेने की क्रूर भावना के साथ। रमना, डूबना, ये सारे शब्द तो जैसे एक एक करके निरर्थक होते चले गए। जानती हैं यूनिवर्सिटी की इन सड़कों पर मैं कितना घूमा हूं, जिंदगी के कितने दिन इन पर गुजारे हैं। तो उसी के स्वर में स्वर मिलाकर बोली, कौन जाने किन किन के साथ। वह हंस पड़ा, लगता है रमला ने मेरे बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बता रखा है आपको।
मैं हल्के से मुस्कुराई। सचमुच रमला ने इतना कुछ बता रखा था उसके बारे में कि बिना किसी विशेष परिचय के भी वह मुझे अपरिचित नहीं लग रहा था। धीरे से बोली, कुछ गलत तो नहीं बताया ना? वह फिर हंस पड़ा। कभी कभी सोचता हूँ आदमी अपने भीतर कितना कुछ समेटे होता है, वह खुद नहीं जानता और एक बंधी बधाई लीक पर चलकर मर जाता है बिना अपने को जाने, बिना अपने को समझे। वॉट ए पीटी। बिना उसकी ओर देखे ही मैंने जान लिया कि स्वर की तरह उसके चेहरे पर भी एक हिकारत भरी दया फैल गई होगी। पर मैं एकाएक कटु हो गई। मन हुआ कह दूं, लीक तोड़ना, संस्कारों से मुक्त होना, इन सारे मुहावरों का चारा डालने के लिए कैसी खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है आजकल। पर कहां केवल एक निहायत ही पिटा पिटाया वाक्य, लीक तोड़कर ही आदमी क्या बहुत कुछ पा लेता है। मैं जानती थी वह क्या उत्तर देगा, फिर भी उसके मुंह से सुनने का मोह हो आया। अच्छा, आप ऐसा नहीं मानती कि हम जितनी तरह की जिंदगी जीते हैं, जितने संपर्क और संबंध रखते हैं, उनसे हमारे व्यक्तित्व के उतने ही पहलू उभर कर आते हैं? नई नई जगह देखना, नए नए लोगों से मिलना, उनके निकट होना, उनको अपने निकट लाना, और खुद पर खुद भीतर एक नई दुनिया खुलती चलती है। तब एक मुग्ध विस्मय के हाथ हम देखते हैं, अरे यह सब भी हमारे भीतर था। मैं बड़े तटस्थ और कुछ ऐसे चौकन्ने भाव से उसकी बातें सुनती रही, मानो यह सब पहली बार सुन रही हूं। हालांकि रमला ये सब मुझे बता चुकी थी, और यदि यह संबंध अपोजिट सेक्स के साथ हो तब तो व्यक्तित्व के रगो रेशे तक उभर कर आ जाते हैं। और उसने एक निसंकोच सीधी नजर मेरे चेहरे पर टिका दी, जिस पर अपनी बात का समर्थन करवाने का साग्रह अनुरोध हुआ था। तो ये अब मुझ पर भी चालू हुए। पर लगा आदमी दिलचस्प भी है और औरों से भिन्न भी। सब लोग ऐसे मौकों पर बात करते हैं तुमसे, जैसे जो हो बस तुम ही हो, बाकी दुनिया बेकार। इसने बात दुनिया से शुरू की है, अब शायद तुम पर आएगा। धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी, नवीनता का भी तो अपना एक आकर्षण होता है। सचमुच आदमी तेज है और किसी को भी फंसाने के सारे हथकंडों से लैस। फिर भी बात करने का नाटकीय अंदाज मन को भाया। रह रहकर कंधों का उचकना, हथेलियों का हवा में फैलना सुकड़ना, और पल पल चेहरे की बदलती मुद्राएं। अमेरिकी लटका एकाएक ही मन में उभरा, ये अदाएं ही तो हैं संपर्क संबंध बनाने का सबसे सशक्त साधन होती होंगी। भीतर ही भीतर कहीं हंसी उबड़ने लगी। रमला ने इस नाटकीय अंदाज की हूबहू नकल करते हुए यही सब बातें बताई थी, और फिर हंसते हुए कहा था, बोलो मिला दे तुम्हें नरेंद्र से, तुम भी उसके व्यक्तित्व का एक पहलू उजागर कर दो या अपना करवा लो। भीतर ही भीतर मन में कुछ कुलबुलाने लगा। मैंने बड़ी ही तोलती नजर से एक बार उसे देखा। सारी बात रमला को सुनाने के लिए एक मजाक बनकर रह जाती यदि फाटक पर विदा लेते समय वह यह नहीं कहता, कल शाम को आप क्या कर रही हैं, खाली हो तो मिले। एक क्षण को हाना किए बिना मैं असमंजस में खड़ी रही। तभी सुना वह हंसते हुए कह रहा था, आप बहुत गालियां दे रही होंगी मुझे, आज आपको भी थोड़ी सी पिला देने का पाप कहिए या पुण्य, मुझसे हो ही गया। हमेशा याद रखिएगा कि आपके कुछ दायरों में से एक दायरा मैंने भी तोड़ा। अंतिम बात ने एकाएक ही जैसे मुझे कहीं बहुत भीतर गहरे में धकेल दिया। मैं सुन हो गई, ख्याल ही नहीं रहा कि उसे कुछ जवाब देना है। पर वे खुद ही बोला, कल फोन करके मैं खुद तय कर लूंगा, और हाथ मिलाकर मुड़ गया। मैं जहां की तहां खड़ी रह गई। मन की ना जाने कौन सी अदृश्य परतों के नीचे दबा
एक वाक्य पूरे दृश्य को साथ उभरा एक वाक्य पूरे दृश्य के साथ उभर आया। अपने शरीर से अलग करते हुए उसने कहा था, आज तुम्हें एक अंधेरे कुएं से निकालकर खुली फैली दुनिया में ले आया हूं, अब जानोगी कि जीना क्या होता है। तब पुलकित होने के साथ साथ भीतर एक कृतज्ञता भी हो आई थी और बहुत दिनों बाद कहा था, खींच कर लाना मेरा काम था, अब इस खुली दुनिया में चलना और अपना रास्ता तलाश करना तुम्हारा काम है। क्योंकि अपने साथ चलने के लिए उसने एक लिपि पूती बड़ी सी बिंदी लगाने वाली गुड़िया जैसी लड़की चुन ली थी, एक बार परिचय भी करवाया था। ये है मिताली ठाकुर, हमारे साथ पढ़ती थी, बहुत ही होशियार और गजब की बोल्ड। बोल्ड शब्द कहते समय हल्की सी भत्सरना का पुटा मिला था उसके स्वर में। पत्नी के सामने शायद मित्र कहने का तो वह साहस तक ना जुटा पाया था। तब एक बार बड़ी जोर से इच्छा हुई थी कि वह मुझे अंधेरे कुएं से खींच कर लाया था तो मैं भी इसकी शराफत का ये खोल खींच कर उतार दूं, जिसे ये बड़ी मासूमियत के साथ अपनी पत्नी के सामने ओढ़े बैठा है। पर मैं कुछ नहीं कर पाई थी, बस भीतर ही भीतर उफनते जहर को चुपचाप पीती रही थी और आंखों से उमड़ते आंसुओं को जबरन पीछे ठेलती रही थी। तब मुझे मालूम हुआ था कि संस्कार तोड़ने के बहाने कितनी खूबसूरती से वह मुझे ही तोड़ गया है। अब एक ये आए हैं दायरे तोड़ने, ठीक है कल ये भी आए। अब मैं भी पहले की तरह मूर्ख नहीं रह गई हूं और भीतर ही भीतर एक बड़ी ही क्रूर सी इच्छा कुलबुलाने लगी। अब तक की सारी मिठास एक कड़वाहट में बदल गई। लेटी तो नींद नहीं आ रही थी, व्यक्ति अब अलग अलग याद नहीं रहते, शायद सभी कहते हैं। मीता बहुत रिजर्व्ड है, मीता इनिशिएटिव नहीं लेती, मीता अपने को कहीं भी प्रोजेक्ट नहीं करती। तो भीतर ही भीतर सबको धोखा देने का, छलने का एक क्रूर संतोष मन में जागता है। तुम कभी जान नहीं सकते कि मीता भीतर से क्या है। मीता ने तो सब कुछ किया है, आज भी कर सकती है, पर बर्दाश्त होगा तुमसे? तब तुम ही सबसे पहले थूथी करते हुए हिकारत भरे प्रहार करोगे और अपने अपने दड़बों में लौट जाओगे। नहीं नहीं, मैंने तो बहुत पहले ही तय कर लिया था कि अब मैं कुछ नहीं करूंगी, अपने को वापस दायरे में समेट लूंगी। इस निर्णय के साथ ही मैंने वह शहर ही नहीं छोड़ा था, अपना अतीत भी छोड़ दिया था। एक बार बाहर आकर भीतर की ओर लौटने की यातना भीतर से बाहर की ओर आने की यातना से कितनी ज्यादा है, यह भी मैंने तभी जाना था। बाहर आने में कितनी उमंग, कितना उत्साह था और भीतर लौटने में कितनी निराशा, कितनी टूटन। फिर भी एक अदृश्य संकल्प मेरे मन में धीरे धीरे आकर जगा लेने लगा। ठीक समय पर वह आ गया, कमरा वैसे ही पड़ा है। एक बार भी मैंने उसे सजाने संवारने का प्रयत्न नहीं किया। मैं अपनी हर बात उसे दिखा देना चाहती हूँ कि मैं उसे जरा भी महत्व नहीं दे रही हूँ, ना उसके इस प्रकार चले आने को कुछ विशेष समझ रही हूँ। मैंने मन ही मन तय कर लिया है कि मैं निहायत ही देसी ढंग से व्यवहार करूंगी और अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। अपनी विदेशियत के रोप को यूं धूल में लौटते हुए उसे कैसी तिलमिलाहट होगी? यही तो इनकी सबसे बड़ी तुरुप होती है। उस काल्पनिक तिलमिलाहट से मुझे भीतर ही भीतर एक संतोष मिलने लगा और जब सारी स्थिति बर्दाश्त के बाहर हो गई तो हम लोगों ने उस संबंध को नकार कर नए सिरे से अपने अपने व्यक्तित्व को स्वीकार किया। बताइए जरा, आदमी सिवाय एक औरत के, पति के और कुछ नहीं रह जाता? यह भी कोई जिंदगी हुई भला? वे अपनी अमेरिकी पत्नी से अलग होने की बात बता रहा था, पर किसी बहुत ही आत्मीय या नाजुक के टूटने की हल्की सी हल्की व्यथा भी उसके चेहरे पर नहीं थी। तोड़ना क्या इतना आसान भी हो सकता है? अतीत के संबंध से क्या सचमुच आदमी इस तरह मुक्त हो सकता है? पर जो जुड़ता ही नहीं,
उसके लिए टूटने की अहमियत ही क्या होती होगी भला। फिर भी अतीत की किसी भी छाया या व्यथा से इसका यों मुक्त होना मुझे अच्छा लग रहा है। खाली सलेट पर भी तो रंग अच्छा चढ़ता है, एकाएक मन में उभरा और जैसे मैं भीतर ही भीतर अपने एक एक कदम के लिए सतर्क और चौकन्नी हो गई। वे लगातार कुछ ना कुछ बोले जा रहा था और मैं विस्मित सी ये सोच रही थी, आदमी इस तरह उड़ेल पाए तो मन का कितना बोझ छट जाए, कितना हल्का हो जाए। इसका मुझसे परिचय ही कितना है भला, फिर भी कैसे विश्वास में लेकर सब कुछ बताए जा रहा है। मानो मैं कोई बहुत ही घनिष्ठ हूं, इसकी अंतरंग हूं। अनायास इस शब्द का यूं मन में आ जाना मुझे अच्छा लगा। क्या इसके मन में भी इस समय मुझे लेकर कोई ऐसा ही भाव नहीं होगा? बस बस यही अनुकूल अवसर है, मुझे चूकना नहीं चाहिए। स्वर को बहुत ही मुलायम बनाकर मैंने पूछा, अच्छा एक बात बताइए, लगातार यूं घूम घूम कर भटक भटक कर आप थक नहीं जाते? उसने एक भेदती सी नजर से मुझे देखा, जैसे इस प्रश्न के पीछे का मकसद जानना चाहता हो। मैं भीतर तक सिहर उठी, मानो चोरी करती हुई पकड़ी गई हूं। पर नहीं, उसका ध्यान शायद उधर था ही नहीं। वे बड़े ही सहज स्वर में बोला, सचमुच कभी कभी थक जाता हूं, लगता है जैसे अपने से ही हार रहा हूं। यहां से वहां, वहां से कहीं और, कहीं और कहीं और, निरुद्देश्य और निरर्थक। और तब मन करता है कि इस भटकन को समाप्त कर दूं, किसी एक के साथ एक जगह बैठकर जिंदगी जीऊं, सुरक्षित और बंधी हुई। और उसने बड़े हारे थके भाव से सिर कुर्सी की पीठ पर टिका दिया, मानो सचमुच वे घूम घूम कर भटक भटक कर एकदम निढाल हो गया हो। छत की ओर एकटक देखते हुए होठों को गोल बनाकर वे धीरे धीरे धुएं के छल्ले उड़ाने लगा। रेशमी धुएं के वृत्त बड़े हो होकर उसके ही चारों ओर फैलते लिपटते चले गए। धुएं के उस छीने से आवरण के पीछे उसका चेहरा मुझे बड़ा कातर और दयनीय सा लगने लगा, कुछ इतना ज्यादा कि मुझे तरस सा आने लगा। कहीं ये अनेक अनेक संबंध बनने बिगड़ने के किस्से मन घड़त तो नहीं है? आजकल इन सबका बखान करना भी तो आधुनिक फैशन में से एक है। किसी भी लड़की के लिए अनेक प्रेम प्रसंगों में लिप्त आदमी आजकल ज्यादा आकर्षण का कारण होता है, एक जीता जागता और ललकारता हुआ चैलेंज। पर 6 महीने भी एक जगह बैठ लूं तो दम घुटने लगता है, भीतर का जिप्सी कोड़े मार मार कर मुझे ढकेलने लगता है और फिर यात्रा शुरू। कभी आप आगे के बारे में सोचते हैं? जैसे 10 साल बाद की बात, जब ना इस तरह घूमना संभव होगा और ना कोई दो बात करने पूछने वाला रह जाएगा। शायद तब किसी के पास इतना समय भी नहीं होगा कि 1 मिनट आपके लिए थम ही जाए। मैं उसे आतंकित कर देना चाहती हूँ, वह जान ले कि ऐसी जिंदगी का एक पहलू यह भी है। कभी कभी ख्याल जरूर आता है, पर आगे के बारे में मैं ज्यादा नहीं सोच पाता। क्यों, क्या बूढ़े हो गए? आगे से मुंह मोड़कर पीछे देखना तो बूढ़ों का काम है। वह खिलखिलाकर हंसने लगा। मुझे हर बार ऐसा लगता है मानो मेरी सारी सतर्कता के बावजूद वह मेरे भीतर उठने बैठने वाले हर भाव को पढ़ रहा है। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। नहीं नहीं, मैं पीछे भी नहीं देखता, केवल सामने देखता हूं। और शायद वह युद्ध की निशानी है। वार खाली जाने की झल्लाहट जरूर मेरे मुंह पर आ गई होगी। मैं चाहूं तो भी ये भटकन समाप्त नहीं होगी। आखिर उसने शाप भी तो बड़े सच्चे मन से दे दिया था। मेरी आंखों में प्रश्नवाचक भाव तैर आया तो फिर एक और प्रेम प्रसंग खुल पड़ा। यूनिवर्सिटी की सड़कें, हॉस्टल के बंधन, ये सारा माहौल उस प्रसंग के साथ ही जुड़े हुए थे। अमेरिकी पत्नी की अपेक्षा
इस प्रसंग में प्रेम की उष्मा भी ज्यादा थी और टूटने की व्यथा भी। एकाएक मुझे लगा यह मुझसे मिलने नहीं आया है, मेरे माध्यम से अपने अतीत के उस टुकड़े को दोहराने आया है। मेरा अहम बुरी तरह तिलमिला गया। मुझसे कोई भी मिले यह मुझे मंजूर है, पर यो मात्र माध्यम की तरह। उसका रोकना, उसका शाप, आज भी सब कुछ याद है। भावुकता की ये बातें करते समय उसकी सारी चुस्ती, सारी स्मार्टनेस जैसे गल गई और वह बड़ा दयनीय और बड़ा साधारण सा लगने लगा। अब वह कहाँ है? कुछ रुखाई से मैंने पूछा। वह? उसने शादी कर ली, खूब प्रसन्न है, मुझे बुलाकर अपना सुख, अपना वैभव और अपनी प्रसन्नता दिखा भी दी। और आपकी पत्नी? संबंध टूटने के साल भर बाद तक तो उससे संपर्क रहा था। उन दिनों वह अपने किसी अफेयर में व्यस्त थी। हो सकता है अब तक उसने शादी भी कर ली हो या फिर नए अफेयर में व्यस्त हो गई हो। मेरी तिलमिलाहट एक क्रूर आनंद में बदल गई। लगा जैसे मेरे भी सारे बदले इन औरतों ने चुका दिए। ओ तो सब ओर से हारे पीटे यहां आए हैं मेरे दायरे तोड़ने। और मेरा मन इसके भीतर का सब कुछ जान लेने को अकुलाने लगा। यह सिर्फ एक नाटक है या कि इसके पीछे एक हारे हुए मन की कहीं टिक बैठने की आकांक्षा? पर कहीं से भी तो यह हारा पिटा नहीं लगता। क्या टूटे संबंध इसे कहीं से भी नहीं तोड़ते? क्या मन की टूटन से यों असंप्रेक्त रहा जा सकता है? इस बार जाऊंगा तो जरूर मिलूंगा उससे। अब मिलना शायद अच्छा ही लगेगा। आप वापस कब जाएंगे? स्वर में आई उत्सुकता को भरसक दबाते हुए मैंने कुछ लापरवाही से पूछा, मानो इसके उत्तर से मेरा कोई संबंध ही ना हो। मैं परसों यहां से कलकत्ते जाऊंगा और वहां से फिर 15 को मास्को के लिए उड़ना है। एक क्षण को मैं जैसे हवा में लटक आई। लगा थोड़ी देर पहले जो दयनीयता और कातरता उसके चेहरे पर उभर आई थी वह मेरे चेहरे पर पुत गई है और वह बैठा वैसे ही हंस रहा है, सहज, मुक्त और निर्द्वंद्व। लगा मैं फिर छली गई हूं। अपनी सारी सावधानी के बावजूद एकाएक मन सुलगने लगा। तब ये यहां क्या करने आया है? किससे सुनाकर मन हल्का करने के लिए मैं ही मिली थी इसे? घनिष्ठता क्या बिना परिचय के भी जो किसी को अपना सब कुछ बता सकता है, उसके लिए तो माध्यम कोई भी हो सकता है। वह फिर चहकने लगा था। नई नई जगह, नए नए अनुभवों को पाने का कौतूहल भरा उत्साह उसके चेहरे पर थिरक रहा था। पर उसके बाद उसकी बातें, उसकी उपस्थिति, बात करने का उसका नाटकीय अंदाज, सब कुछ मेरे लिए निरर्थक हो उठा, स्वादहीन और बेमतलब। बल्कि उसका होना भर मुझे भारी लगने लगा। मन हुआ उठकर बुरी तरह छिड़क दूं, पर किस बात पर? आखिर उसने किया क्या है? यही समझ नहीं आ रहा था। तुम हर संबंध में भविष्य की संभावना खोजती हो, इसीलिए वर्तमान को भी नहीं भोग पाती, एक बार मृणाल दी के पति ने कहा था तो लड़ने मरने को मन हुआ था। जब भी मैं वहां जाती हूं तो बड़े दुलार से मेरे हाथ अपनी हथेलियों में लेकर सहलाएंगे, वहां दबाएंगे। जरा सा इशारा करूं तो मृणाल दी से छिपकर कॉफी पिलाने भी ले जाएंगे। कई बार ऐसा संकेत कर चुके हैं, कुछ और ढील दूं तो और भी आगे बढ़ सकते हैं, पर उसी सीमा तक जहां किसी चीज का रिस्क ना लेना पड़े और उनका सब कुछ सहज और सुरक्षित रहे। वह जानते हैं कि उन्हें सिर्फ पाना ही है, जो भी मिल जाए, खोना तो कुछ है ही नहीं। और मैं भी जानती हूं कि मुझे पाना कुछ नहीं है। आधुनिकता के नाम पर कैसी कैसी सुडरी ये लोग झाड़ते हैं। मैं पत्र लिखूंगा तो जवाब देंगी ना? नहीं, हमें नहीं आता पत्र वत्र लिखना, खींच भरे स्वर में मैंने कहा। एक ये ही तो रह गए हैं पत्र लिखने के लिए। इस आदमी के लिए व्यक्तियों और संबंधों का महत्व ही क्या है?
सिवाय इसके कि एक किस्सा सुनाने को मिल जाए उसमें से। अब विदेश में किसी औरत के साथ शराब पीते हुए या कौन जाने किसी की बगल में लेटे लेटे सुनाएंगे। हिंदुस्तान की लड़कियां यहाँ की तरह नहीं होती, ना जाने कितने संस्कारों में बंधी, दायरों में घिरी। उस समय भी मेरा नाम इसकी जीभ पर भले ही हो, मैं इसके दिमाग में कहीं नहीं होंगी। बस कुछ ना कुछ निरंतर बोलते जाने की हवस से वह बोलता चला जाएगा। अच्छा, पत्र नहीं लिखना आता तो खाली कागज ही भेज दीजिए, मैं उसी से सब समझ जाऊंगा। आते जाते कैसे लटके बघार रहा है, फिल्मी डायलॉग। अब सचमुच मेरा धैर्य जवाब देने लगा था और मन हो रहा था मैं सामने बैठे इस आदमी को फटकार दूं। तभी चपरासी ने आकर जैसे मेरा उद्धार कर दिया। उसने बताया, 8 बजे के बाद यहां पुरुष कमरे में नहीं रह सकते, प्राध्यापिकाओं के लिए भी इतने बंधन। और वह हंसने लगा तो मैं भीतर ही भीतर बुरी तरह कुड़ गई। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, यह अमेरिका नहीं है, मन ही मन कहा, अमेरिका की तुम कहीं का। मैं एक क्षण को भी यह नहीं बताना चाहती थी कि परसों ही उसके जाने की बात सुनकर मैं विचलित हो गई हूं, या कि उसे लेकर। बड़े सहज कदमों में मैं उसके साथ नीचे फाटक तक गई। यहां कोई खाली टैक्सी नहीं मिलेगी, मेरा इतना कह देने के बावजूद वे टैक्सी की प्रतीक्षा का बहाना लेकर खड़ा बातें करने लगा। मान लीजिए कभी एक दिन आपके दरवाजे पर खटखट हो, आप खोलें और देखें कि मैं खड़ा हूं तो कैसा लगेगा? खाक धूल लगेगा। क्यों अब भी नाटक किए जा रहे हो, क्या मतलब है इन बातों का? कहने को मैं भी कह दूं, दरवाजा खुले तो आप देखें कि कोई और चेहरा झांक कर बता रहा है कि मिताली तो शादी करके चली गई, तो आपको कैसा लगेगा? फिर ख्याल आया, इसे लगना ही क्या है, उसी के साथ बैठ जाएगा और मेरा किस्सा ऐसी आत्मीयता के साथ बताएगा जैसे वह कोई इसकी अंतरंग हो। पर मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस गुमसुम खड़ी रही। लगता है टैक्सी तो यहां मिलेगी नहीं, मुझे मेन रोड तक जाना होगा। उसने कंधे उचकाए, फिर बड़ी अदा के साथ हाथ जोड़कर होठों पर ढेर सारी मुस्कान और चेहरे पर आत्मीयता पोत कर कहा, इस आते जाते यायावर का नमस्कार। मैं चाहकर भी मुस्कुरा ना पाई, बस यंत्रवत हाथ जोड़ दिए। वह मुड़ गया, जैसे सहज और सधे कदमों से वह चल रहा था, उससे लगा इन 2 दिनों का सब कुछ झाड़ पोछ कर वे इस फाटक पर ही छोड़ गया है और बेहद हल्का होकर जा रहा है, हल्का और निर्द्वंद्व। सच पूछें तो इन 2 दिनों में आखिर हुआ ही क्या है, पर मैं हूं कि इस ना कुछ हुए को भी अब ना जाने कितने दिनों तक गुंती बुनती रहूंगी। फिर एकाएक रमला पर खी जाने लगी, पता नहीं किस किस से मिला देती है। उसके घर कोई भी आए मुझे जरूर बुलाएगी, बड़ी गार्जियन बनी फिरती है। निरंतर दूर होती हुई उसकी आकृति धुंधली हुई, थर थर आई और फिर लुढ़क गई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं और कल फिर मिलती हूं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।